डियर स्टूडेंट्स, एसएफडी बीएमडी का ये चैप्टर शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमने पार्ट वन बनाया है। पार्ट टू में हम देख रहे हैं कि रिएक्शन कैसे निकालना है। तो रिएक्शन निकालने के लिए एक कॉमन इक्वेशन काम में आएगी, सिग्मा एम बराबर जीरो। कोई एक बीम दे रखा है और उसकी रिएक्शन निकालने के लिए हम यहाँ पर एक अभी सिंपली सपोर्टेड बीम पॉइंट लोड के साथ ये हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर हमने ये बीम लिया है, इस बीम में दो पॉइंट लोड लग रहे हैं और हम आर ए और आर बी निकालना चाह रहे हैं। तो हम पहले अगर ए के सापेक्ष आघूर्ण निकालते हैं तो सिग्मा एम ए बराबर जीरो, तो उसकी इक्वेशन लिखेंगे हम। देखिए आप, आर बी इंटू एट, दूरी देखिए आप, तीन तीन छः और दो आठ बराबर दस वाला क्लॉकवाइज घुमा रहा है दस इंटू दो, प्लस तीस वाला भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तीस इंटू पाँच। तो इसको एम आर बी के लिए सॉल्व करेंगे, आर बी वाला एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है और ये दोनों जो बल्ले दस और तीस के, ये इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं ए के सापेक्ष। ये इसीलिए हमने पहले लिखा है कि ये ए के सापेक्ष हम ले रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं कि आर बी भी निकले, तो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं आर बी के लिए। तो आर बी के लिए हम हम सॉल्व करेंगे इसको, तो आर बी बराबर 20 प्लस 150 और डिवाइड बाई 8 है ये, तो ये देखोगे तो 170 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। तो आप इस तरह से ये कैलकुलेशन आप साथ में करते रहिए तो आपको ठीक पता भी चलेगा कि किस तरह से हो रहा है। तो ये हो गया है, ट्वेंटी वन पॉइंट टू फाइव किलो न्यूटन। और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि आरबी का जो मान आया है वो 21.25 किलो न्यूटन आया है। तो अगर हमें आर ए निकालना है तो ऊपर से नीचे टोटल बल है 30 प्लस 10 40, 40 में से 21.25 चला गया, तो बचा हुआ बल तो वही वहन करेगा आर ए। तो आर ए का मान आ गया हमारे पास, आर ए बराबर 18.75 किलो न्यूटन, यूनिट भी लिखा करें आप। तो इस तरह से ये हमारे पास एम ए और आर ए और आर बी का मान आ गया। अगर आप आर ए का मान निकालना चाहते हो इक्वेशन से तो बी के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, तो बी के सापेक्ष जब आप आघूर्ण लोगे तो ए इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो आर ए इंटू एट हो गया और 30 वाला एंटी क्लॉकवाइज है तो 30 इंटू तीन प्लस 10 वाला भी एंटी क्लॉकवाइज है, 10 इंटू छः मीटर की दूरी है, बी से दूरी लेने ये ध्यान रखना है। तो अब हम इससे आर ए का मान निकाल लेते हैं, उसके लिए हल कर लेते हैं। तो 150 बटा 8 आया है, तो कितना होता है ये, वन एट पॉइंट सेवन फाइव, 18.75 किलो न्यूटन आ गया आर ए। तो ये हमने इक्वेशन से निकाला है, और पहले जब ये एक आर ए को निकाला था तो टोटल फोर्स में से आर बी माइनस करके निकाला था। तो इसका दूसरे इक्वेशन से भी निकालने का फायदा ये है कि हम यहाँ पर सिग्मा वी बराबर जीरो करके चेक कर सकते हैं कि दोनों इक्वेशन सही है या नहीं। सिग्मा वी बराबर क्या है कि आर ए और आर बी नीचे से बल आ रहे हैं ऊपर की तरफ, और 10 और 30 ऊपर से नीचे की ओर है, ये दोनों मिल के 40 है, तो आर ए प्लस आर बी भी 40 है नीचे से ऊपर, और एक्सटर्नल लोडिंग भी 40 है। मतलब हमारा ये इक्वेशन दोनों से निकाल के सही आया है, जो कि सिग्मा वी बराबर जीरो की साम्यवस्था की कंडीशन को चेक करता है। तो ये एक रिएक्शन निकाल ली हमने। अब हम और आगे एक और एग्जांपल लेंगे और इसमें टाइप ऑफ लोडिंग चेंज कर लेंगे, या फिर हम इसमें अभी ओवरहैंग भी लेना है, सिलेबस में है ओवरहैंग का भी एसएफडी बीएमडी बनाना है। तो फिर से मैं बता दूं, कोई भी एसएफडी बीएमडी बनाने के लिए जो लोडिंग डायग्राम दे रखा है उसकी रिएक्शन निकालना सबसे पहला आवश्यक कार्य है। तो हम ये इसलिए ये रिएक्शन हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
तो अब हम इस तरह से एक नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि किस तरह से हमें इसमें और रिएक्शन निकालनी। हम देख रहे हैं रिएक्शन निकालना, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो मान लो फिर से कोई बीम ले रहे हैं और उसमें हम एग्जांपल चेंज कर देते हैं कि अगर उसमें ओवरहैंग लगा हुआ है तो ओवरहैंग है और यहाँ पर भी कोई बल लगे हुए हैं, हम दो ही बल ले लेते हैं समझाने की दृष्टि से। तो कोई 5 किलोन्यूटन है ये और ये 6 किलोन्यूटन है। तो आप जब ये वीडियो देखते हैं तो आप बुक और एक पेन और नोटबुक और कैलकुलेटर ये सब लेके बैठा करें, ताकि हम जो यहाँ पर करवा रहे हैं तो आप कैलकुलेशन साथ में करें और आपको पता चल सके कि ये मान जो आंसर है वो कैसे निकल रहे हैं। तो ये दूरी, ये अभी कोई भी अपन बीम अपनी मर्जी से मान रहे हैं, कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं ताकि आपको पता चले कि करना किस तरह से है। कोई भी वैल्यू आ सकती है, कोई स्टैंडर्ड सवाल नहीं है। इसके नाम हम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है यहाँ पर। तो हमें निकालना है आर ए और आर बी। तो आर ए और आर बी, आर ए निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे, टेकिंग मोमेंट अबाउट बी, बी के सापेक्ष आप आघूर्ण ले लो। और अगर हमें आर बी निकालना है तो कैसे निकलेगा, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, ए के सापेक्ष आप आघूर्ण ले लीजिए। तो इस तरह से हम पहले करते हैं कि टेकिंग मोमेंट अबाउट ए दैट इज जीरो, ए के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, तब हम ए के सापेक्ष आघूर्ण ले रहे हैं। तो देखिए ये 5 वाला बल कैसे आ रहा है, ये इस तरफ से आएगा ऐसा, तो एक क्लॉकवाइज है, 6 वाला भी क्लॉकवाइज है। और आर बी कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। आर बी ए से कितनी दूरी पर है, 7 मीटर की दूरी पर है। और इसके लिए हिंट हम लिख देते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज एक ही है, पहले हमने देख लिया, चेक कर लिया। तो 5 वाला ए से दूरी कहाँ से लेंगे, बी से, बी के सापेक्ष हम ले रहे, तो 5 वाले की दूरी है 4। तो ये किधर घुमा रहा है, ये इधर घुमा रहा है इसको एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी इधर एंटी क्लॉकवाइज में जुड़ जाएगा, ये भी यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और 6 वाला जो बल है वो है बी के सापेक्ष क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज हो गया क्योंकि हम बी से निकाल रहे हैं, हमने यहाँ लिखा तो ए है। ये हमारी इक्वेशन की कैलकुलेशन हम फिर से करते हैं, ये कैसे करते हैं फिर से देख लीजिए अभी, कि हमने जो लिखा है आर बी इंटू 7, ये क्या है, ये यहाँ पर आर बी इंटू, आर बी ए के सापेक्ष क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है। और ये दोनों बचे हुए जो बल है, एक्सटर्नल फोर्स है, ए से दूरी लेनी है, यहीं पर हमने गलती कर दी थी, 15 + 6 इंटू ए से दूरी है 9। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आर बी का मान ऐसे आएगा, तो जो भी मान आया ये 69/7, तो ये 10 के बहुत करीब है। तो यहाँ पर आपने लिख दिया कि इसका जो वैल्यू है आर बी का ये है 69/7। तो इसी तरह से हम आर ए निकाल लेते हैं, तो जब हम आर ए निकालेंगे अभी तो यहाँ आ जाते हैं। आर ए के लिए टेकिंग मोमेंट अबाउट बी, बी के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, तो बी के सापेक्ष आघूर्ण ले रहे हैं हम। तो देखिए बी के सापेक्ष आर ए क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है, प्लस साथ ही जो ये बल है 6 किलो न्यूटन वाला ये भी बी से दूरी ले रहे हैं, वो है तो 2 मीटर, लेकिन ये दोनों ही इस बीम को बी के सापेक्ष
क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, इसलिए बराबर के एक ही दिशा में आ गई है। बराबर कर लिया और फिर हो जाएगा पाँच वाला एंटी क्लॉकवाइज है, बी से इसकी दूरी चार है, आपने लिख लिया एंटी क्लॉकवाइज और चार मीटर। तो इस तरह से आपके पास आर ए का मान आ गया 20 माइनस 12 बटाव 7, मतलब कि 8 बटाव 7। तो ये कुछ वैल्यू आ गया, बहुत छोटा सा 1.14। और आर बी का मान हो जाएगा इस तरह से, ये है 9.86। तो हमने दोनों मान निकाल लिए। आप दोनों को आप जेड अगर आप ऐड करेंगे तो आपको चेक जो करना है वो भी आ जाएगा कि आर ए प्लस आर बी दोनों मिला के आपके पास देखिए ऊपर टोटल बल है 6 और 5 11, और ये दोनों मिलके भी 11 का टोटल फोर्स हो गया कितना है 9.86 प्लस 1.14 बराबर 11.0। ये लगभग है, हमने कैलकुलेशन कर ली, ये हमने काम में लिया यहाँ पे सिग्मा वी बराबर 0। तो इससे हम चेक कर लेंगे। तो ये इस तरह से रिएक्शन निकाल ली हमने। तो कोई भी बीम होगा तो उसकी रिएक्शन निकालना सबसे पहले ज़रूरी है। इसके बाद के काम SF शेयर फोर्स निकालना, उसका डायग्राम बनाना, बेंडिंग मोमेंट निकालना, उसका डायग्राम बनाना, तो ये भी हम कर लेंगे, है ना। तो अभी हम नेक्स्ट एक और एक न्यूमेरिकल इस तरह से और ले लेते हैं। न्यूमेरिकल कहो हम जो कोई एक बीम लेकर उसको भी कोई और एग्जांपल लेकर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बीम को, ठीक है। तो यहाँ तक हम सेव कर लेते हैं, थोड़ा रुक जाते हैं। तो ठीक है, आगे हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें एक ओवरहैंग ले लेते हैं, बीम ही ले रहे हैं। उसके बाद हम शुरू करेंगे यूडीएल के सवाल। तो कोई बीम है, चलिए, और उस बीम में एक और यूडीएल लगा हुआ है, सॉरी ओवरहैंग लगा हुआ है। ओवरहैंग मतलब प्रोजेक्शन जो होता है, और इसमें हमको ये एक या दो लोड मान लेते, पहले एक माना था अभी दो ले लेते हैं। इनके मान कुछ ले लीजिए आप, 5 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन, और ये भी ले लेते हैं हम 5 किलो न्यूटन। दूरी भी आप अपने हिसाब से कुछ मान लीजिए, ये तो हम जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। 3 मीटर, ये 3 मीटर है, और ये भी 3 मीटर है, इसको ले लीजिए आप 4 मीटर। देखिए ओवरहैंग का रेशियो भी डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, फिर रिएक्शन नेगेटिव भी आ जाती है कभी, तो हम उस तरह से सिंपल ले रहे हैं। इनके नाम लिख लेते हैं, ये पॉइंट माना कि ए है, ये पॉइंट बी है, और ये सी है। थिकनेस थोड़ा सेट कर लेते हैं। अब हमें रिएक्शन निकालनी, क्या निकालनी है, आर ए कितना है और आर बी कितना है। तो आर ए निकालना है तो बी के सापेक्ष आगुण लेने पर इस इक्वेशन को ऐसा लिखते हैं, और आर बी निकालना है तो ए के सापेक्ष आगुण लेने पर। तो पहले हम ए के सापेक्ष आगुण निकाल लेते हैं और आर बी निकाल लेते हैं। सिग्मा एम ए अबाउट 0, उससे आर बी निकलेगा और वैल्यू हो जाएगी आर बी इंटू दूरी है 9। देखिए ये आर बी है ना, ए के सापेक्ष ये बल लगाओगे तो इस तरह से घूमेगा, ये जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, ए के सापेक्ष
एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा या इस तरह से। तो इसको हम चाहें तो हिंट भी लिख देते हैं कि दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। और ये पाँच वाला कैसे घूमेगा देखिए, क्लॉकवाइज। दस वाला कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। ये पाँच कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। तो क्या हो गया, पाँच हो गया पांच, इंटू दूरी कहां से ले रहे, ए से ले रहे। तो ए से दूरी लेंगे तो पांच वाले का आगुण बनना ए के सापेक्ष पांच इंटू तीन, दस वाले का बना दस इंटू छ, और अगला जो पांच है ओवर एंग पर पॉइंट लोड है उसका बल है पाँच, और ए से दूरी है नौ और चार तेरह। तो इसको आपको आरबी के लिए सॉल्व कर देना है, जो भी आ रहा है ये पंद्रह प्लस साठ प्लस पैंसठ बटावा एक सौ चालीस और बटावा नौ। तो इसको आप सोल्व कर देंगे तो जो भी है ये मान आ गया आपका आरबी का। तो इसी तरह से आरए के लिए हम क्या करेंगे, बी के सापेक्ष आगुण लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बात है कि सिग्मा एम बी बराबर जीरो, बी के सापेक्ष आगुण ले रहे हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पहले स्टेप में ही पता चल जाएगा, बी के सापेक्ष आरए है, यहाँ से देखिए आप ये क्लॉकवाइज जाएगा इस तरह से। तो क्लॉकवाइज ये तो ठीक है, ए से बी से दूरी है इसकी नाइन, लेकिन उसी वक्त ये पाँच वाला भी जो बल है ये भी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये क्लॉकवाइज है और ये भी इधर से क्लॉकवाइज है, इसलिए हम दोनों को एक साइड में ले लेंगे। किसको, दूसरा बल क्या हो गया पाँच वाला, बी के सापेक्ष पाँच इंटू चार, और इसको आप चाहें तो हिंट में लिख लें ये क्लॉकवाइज है इसलिए एक तरफ आ गए। और बी के साथ एक दस वाला एंटी क्लॉकवाइज है, जो कि बी से तीन मीटर की दूरी पर है और पाँच वाला छः मीटर की दूरी पर है। तो इस तरह से हमने आरए निकाल लिया, वो हो गया तीस प्लस तीस माइनस, ये पाँच इंटू चार है उधर जाके माइनस हो जाएगा, डिवाइड बाई नाइन। तो आरए हो गया आपका फोर्टी डिवाइड बाई नाइन। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि आरए और आरबी आ गया है, दोनों का जो भी मान आया आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आरए प्लस आरबी बराबर 140 बटा 9 प्लस 40 बटा 1, तो ये हो गया 180 डिवाइड बाई 9। तो ये 20 है, ये तो 20 किलो न्यूटन क्या है, सिग्मा वी बराबर जीरो। ऊपर से नीचे जो बल आ रहे हैं वो भी 20 है, 5 प्लस 10 प्लस 5 बराबर 20 बराबर आर ए प्लस आर बी बराबर 20। तो ये दोनों रिएक्शन आपकी सही हो गई, आर ए आर बी निकाल दिया हमने, ठीक है। तो अब हम अगला सवाल लेते हैं।